और इसका आपको करना है अप चेन, वो भी आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन इसी प्रकार कीटों का भी अप चेन करना है। ओके, ये आप और यहाँ पे से और यहाँ पे एच। अब एच का मतलब आते हैं यहाँ पे एलर्जी डेवलप की अप चेन। यार इसका मतलब वाकई होता है हम कुछ ऐसे ही। अब देखो ये टूटेगा कैसे, टूटेगा कैसे, इसमें कुछ नहीं होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर किसका है, फिर यहाँ जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं कार्बन की संयोजकता वाले को यहाँ पर किसका है, ठीक है, जहाँ हाइड्रोजन की कमी नहीं लग रही है वहाँ हाइड्रोजन ऑटोमेटिक कौन से है, तो देखो ये कैसे रिएक्शन होगा, ये सी एच थ्री ये सी, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा एच है ना, अभी तो मैं एच लिख रहा हूँ, अब देखो इसकी संयोजकता पूरी करूँ, ये आपके ऊपर अब हमारे को देखिए संयोजकता के अंदर कार्बन या हाइड्रोजन कितनी जरूरत है, अब मैं इसको यदि फैलावा रूप है इसको संक्षिप्त रूप लिखे, इसको संक्षिप्त रूप में लिखे, तो ये आ गया है जो सी एच थ्री ये सी एच टू सी एच टू और ये हो गया आगे, इसका मतलब ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, ये 1 डिग्री एल्कोहल यानी कार्बनिक एल्कोहल का निर्माण हो गया, इसका निर्माण हो गया कार्बनिक एल्कोहल। अब इसमें पढ़ते हैं चेन लीड प्रोसेस या वैलेंस मिलना, इसके हाइड्रोजन यहाँ पे काम आए थे, तो ये 1 और 2 तो यहाँ पे आप बात तो ऐसे लिख सकते हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आपको आता है। नेक्स्ट इसके लिए ये आप ऐसे लिखेंगे सी सी एच थ्री, ठीक है, ये हो गया तो मैं या कितने लोग हैं एक ठीक है, तो अब इसको मैं सीधा लिखूं ऐसे इसको मैं बस सरल कर देता हूँ, अब आपको दिख रहा है इसके अंदर के सीधा सीधा ही दो नंबर पर एल्कोहल लगा हुआ है, ये दो नंबर पर एल्कोहल लगा हुआ है, दो नंबर पर एल्कोहल लगा हुआ है यानी ये 2 डिग्री एल्कोहल, या द्वितीय एल्कोहल, तो यानी एल्डिहाइड का जब हम अपचयन करेंगे, एल्डिहाइड का हम अपचयन करेंगे।